बेल मिल गया है, वो डिफॉल्ट बेल उसको हम लोग कहते हैं, कि चूंकि चार्जशीट जमा नहीं हुआ था तो इसका लाभ उनको मिला। कश्यप का जो 6 केस था तमिलनाडु में, उसमें क्या बेल हो गया सारा में? उसमें सभी केस में बेल हुआ है, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। बेल में कहाँ रखा जाए, इसी बात पर आज होगा कि बेउर में रखाएंगे कि बेतिया जाएंगे या तमिलनाडु जाएंगे, इसी बात को लेकर अभी बातें हो रही हैं। कश्यप तमिलनाडु से बेतिया आए और बेतिया से अभी हम देख सकते हैं पटना सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप अंदर गए तो वकील साहब भी गए, मनीष कश्यप से बात किए। क्या कुछ बात हुआ मनीष कश्यप से, मनीष कश्यप को लेकर सारा कुछ जो है सर बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप मनीष कश्यप से मिलने अंदर गए थे, अभी जस्ट मिल के आ रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा? अभी फिलहाल आप ये समझिए कि उस केस में जिस आर्थिक अपराध इकाई की जो केस थी, इसमें उनको आज समर्पित किया जाएगा और जज साहब उसके बाद जो है चाहे तो अपने कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में लेंगे तो बेउर भेजेंगे या फिर बेतिया कोर्ट के निर्देशानुसार उनको वहां जाना है, नहीं बेतिया में या फिर तमिलनाडु में, चूंकि NSA लगा हुआ है तो उसमें एक और भी है कि अब सेंट्रल जेल इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, तो वो तय होगा आखिर इनको किस जेल में भेजा जाएगा। अभी इसी मुद्दे पर बात है। मनीष कश्यप का जो 6 केस था तमिलनाडु में, उसमें क्या बेल हो गया सारा? उसमें सभी केस में बेल हुआ है, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिसमें आप इतना बहुत ही संवेदनशील मामला था, इतने सरकार की मैकेनिज्म लगी थी, NSA लगा था और उस केस में भी आप देखेंगे तो 167(2) का लाभ, यानी कि 60 दिन में इनको चार्जशीट जमा करना था बिकॉज ही एक्यूज वाज इन कस्टडी। तो ऐसे सिचुएशन में मैंडेटरी प्रोविजन है CRPC का कि उनको आपको 60 दिन में चार्जशीट दे देना है यदि 7 वर्ष से नीचे का सजा का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका 4 महीना होने को है, चार्जशीट जमा नहीं हुई थी, तो जितने 6 केस थे तमिलनाडु में सभी में उनको जो है सुप्रीम बेल मिल गया है, वो डिफॉल्ट बेल उसको हम लोग कहते हैं, कि चूंकि चार्जशीट जमा नहीं हुआ था तो इसका लाभ उनको मिला है। यानी कि पुलिस ने चार्जशीट जमा नहीं किया तो मनीष कश्यप पे जो भी 6 केस लगा था तमिलनाडु में उन सभी केसों में बेल हो गया मनीष कश्यप जी, अभी वहाँ पर सभी केसों में उनको बेल मिल गया है। अब आगे ये देखना है कि जो बिहार में जो केस है उसमें भी मटेरियल 700 पेज का चार्जशीट है, लेकिन कोई ऐसा बहुत ठोस आधार नहीं है कि इनको जो है सो बहुत लंबे दिनों तक रखा जाए, और उसी का एक और को एक्यूज है युवराज जिसको आरा जेल में रखा गया, तो उसकी भी आज साथ में प्रस्तुतिकरण होगी, तो देखते हैं कि अब दोनों में क्या किया जा सकता है। सर लगता है मनीष कश्यप के लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है बिहार के पटना के सिविल कोर्ट में, तो क्या मनीष कश्यप के लिए कि अच्छा दिन हो सकता है पटना के सिविल कोर्ट? अब देखिए अच्छा दिन का बेल, जब कोई अभियुक्त जेल में होता है तो बेल हो जाता है, यही बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे परिस्थिति में आज इनका बेल के लिए रिगार्डिंग कोई सुनवाई आज होनी नहीं है, आज जो भी काम होगा वो जेल में कहाँ रखा जाए, इसी बात पर आज होगा कि बेउर में रखाएंगे कि बेतिया जाएंगे या तमिलनाडु जाएंगे, इसी बात को लेकर अभी बातें हो रही है। अच्छा सर एक और लास्ट सवाल जो जानना चाहते हैं दर्शक, कि मनीष कश्यप पर से NSA कब तक हट जाएगा? ये अगले 2 महीना में इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि मनीष कश्यप अगले 2 महीना न्यायिक हिरासत में रह सकते हैं संभावना। लेकिन ये आज जो बात होगा सिविल कोर्ट में कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजा जाएगा कि पटना रखा जाएगा कि बेतिया रखा जाएगा, ये 2 बजे फाइनल, 2 बजे आज फाइनल हो जाएगा। देखिए अभी मनीष कश्यप से मिल के आ रहे थे शिवनंदन भारती जो है पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, और अभी सिविल कोर्ट में आए थे मनीष कश्यप से मिले, क्या कुछ हुआ ये सारा चीज मैंने आपको बताया। ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।